का काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे और उनके परिजनों से मिले, उनको भी उन्होंने अच्छी तरीके से बात करके बताया कि क्या चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमडी सर से कि ये आपको आगे क्यों उसमें बताएंगे। थैंक यू नीरज जी, नमस्कार। जैसे कि आपको अभी बताया गया, हमारा जो ऑप्शन वन है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है, अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है, हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डीवाटरिंग की है और कुछ अभी कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। इसके अलावा RVNL की बात भी जो है, हमारी हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो है उसका मैंने कल आप लोगों को बताया था कि उसका कंक्रीट बेड बन रहा है, जिसमें हम टनल बोरिंग मशीन बैठाएंगे, माइक्रो टनलिंग करेंगे। वो 170-180 मीटर का बोरिंग उसमें करना होगा, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल परसों में वो काम हम शुरू कर सकें, क्योंकि उसकी मशीन इक्विपमेंट वगैरह सब आ चुके हैं, उसको हमें इंस्टॉलेशन करना है। और जो बाकी काम है इसमें, जो कल कोई आप में से कोई पूछा था मुझसे कि एक और ड्रिलिंग चल रही है छोटे 8 इंच की, जो मैंने बताया था कि हम वो कर रहे हैं ताकि हमें रॉक का स्टेटा का पता चल पाए, एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। वर्टिकल दोनों वर्टिकल ही हैं, तो ये काम हमारे सारे अच्छे चल रहे हैं। तो जो अब हमारा जो मेन जो प्लान है, प्लान ए, जिसके बारे में डॉक्टर नीरज बहुत डिटेल में बताए, फिर प्लान 2-3 या ऑप्शन 2-3 जो है वो सब लाइन पे है, सब ट्रैक पे है। सर सवाल है, वैज्ञानिक भी आए हैं। हाँ जी सर, ड्रिफ्ट टनल का ऐसा है कि जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और उसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के ज़रिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के ज़रिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि मक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा, उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर, रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी आ रखे हैं कोई, जो जिनके आप हेल्प ले रहे हैं, उनका क्या किस तरह का रोल रहेगा? आप बोलना चाहोगे रोबोटिक्स कौन से? सर वो कह रही है एआई से, वो एआई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिलिंद राज का कोई शख्स है? मिलिंद राज का हमारे नॉलेज में सर, ठीक है। एक सवाल ये है कि हो सकता है कंपनी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, देखिए वन बाय वन एक्सपर्ट डिस्कशंस के जो टीम हुआ उसके अंदर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर हो सकता है किसी एजेंसी ने जो काम कर रहे हैं उनके लिए बुलाया हो, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि क्या पता किसी एजेंसी ने जस्ट फॉर अपने जो काम कर रहे हैं
उसको स्पीड अप करने के लिए, या क्योंकि अभी तक हमारे सामने इफेक्ट्स नहीं रखा गया है, वी विल चेक इट अगेन अगर आप लोगों के नॉलेज में जो आपने कहा। वन बाय वन जस्ट इट, तो एक्सपर्ट्स जो है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और जैसा आपने कहा कि इवन जो टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है सेंसर के लिए, जैसे सिम्फर है, आपके GSI के एक्सपर्ट्स हैं जो साथ के, उसी के साथ में एक लाइट डिटेक्शन लाइडर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। आई थिंक कहीं उनका कंफ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता अगर है तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है अगर होंगे, लेकिन आप ये मानिए सभी तरह के एक्सपर्ट्स जो भी कोई किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प ली जा रही है। एजेंसीज हो सकता है कि अपने माध्यम पे अपने एंड से भी ले रहे हों, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे लोगों से चर्चा कर रहे हों, हेडक्वार्टर के लोग आगे किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर रहे हो सकता है। एक बार कर दे कल की तरह, आज इधर से कर लीजिए ज्यादा लोग। हाँ जी, एक इधर से। हाँ जी, चलो आपसे कहते हैं उसका कितना फ्लो होगा, मतलब जो दिख रहा है हमें एलपीएम में पानी है बहुत मिनिमल है, थोड़ी उसका जैसे मैंने बताया आपको हमने डी वाटरिंग की है, मिनिमल पानी निकला है, वो ना आना बिल्कुल वाजिब है, इतना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारा जो भी हमने बना रखा है, जो भी नॉर्मल कोर्स में रहते हैं ड्रिलिंग में जितना पानी आता है उसके सीमा के अंदर ही। सर जो हार्ड रॉक उसके नीचे, उसके बाद जो हार्ड रॉक आ रहा है वर्टिकल में, जो हार्ड रॉक आ रहा है उसका नेचर क्या है? रॉक का नेचर इनका चलिए ये खत्म कर देते, इससे इश्यू किसी इस इशू से, इस वर्टिकल वाले से रिलेटेड किसी के इशू, पहले लेट्स गो इशू बाय इशू। वर्टिकल वाले में एक चीज आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पता रिपीटिशन हो, एक बार पहले क्वेश्चन सबके सुन लेते हैं। वर्टिकल वाले में आपने कहा था पानी है, हालांकि आप कह रहे हैं निकाल रहे हैं।